给你我的能量吧。आज के इस कार्यक्रम रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स इन डिसेमिनेटिंग नॉलेज टू यूजर कम्युनिटी इन 21st सेंचुरी प्रेजेंट हियर ऑन द डायस रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी मैम शुक्ला मेंबर एक्सिक्यूटिव काउंसिल रजिस्ट्रार मंसूरी सर गौतम सर and all respected teachers, faculty, professors came from different corners of the North India and dear students. I been instructed rather while it would be done while I would speak. Next. आप देखते होंगे इस समय जिस समय आप उपस्थित हैं डियर स्टूडेंट्स चारों तरफ इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है इंफॉर्मेशन। सुबह आप उठते हैं उठते ही न्यूज़पेपर्स टीवी चैनल्स आपका स्मार्टफोन मोबाइल दुनिया भर के उसमें सोशल मीडिया टूल्स हैं व्हाट्सएप है ट्विटर है फेसबुक है इंस्टाग्राम है इंफॉर्मेशन। और बच्चा या व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता कि हम इसमें किसको लें किसको छोड़ें। नेक्स्ट इट बीन अ लॉन्ग जर्नी वी हैव डन अ ग्रेट जर्नी बहुत लंबी यात्रा हमने तय करी है। कल्पना करिए हमारे यहाँ स्मृति कॉल में ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से ज्ञान का ट्रांसफर करता था। गुरुकुल में रहते थे जितने भी हमारे यहाँ वेद सृजित किए गए उपनिषद है पुराण है इवन की बुद्धिस्ट परंपरा में जो पहली बुद्धिस्ट कॉमेंटर्न हुई थी वो बुद्धा के परिनिर्वाण के 300 साल बाद पहली बुद्धिस्ट कॉमेंटर हुई थी। हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन रहा है ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से ओरली नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता था। इसके बाद स्टोन एडिक्ट टाइम आपने देखा अशोका के बहुत सारे जो स्टोन पर लिखे हुए अभिलेख है यहाँ वहाँ जिसमें उन्होंने धम्मा की बात कही है वो मिलते हैं आपको चाहे कलिंगा में हो वहाँ भुवनेश्वर के पास इवन मध्य प्रदेश में कई जगह स्टोन एडिक्ट मिलते हैं। फिर कॉपर प्लेट का समय आया जब मेटल प्लेट पे कॉपर प्लेट पे लोग अभिलेख लिखा करते थे। फिर पेपिरस जो पार्चमेंट था ताड़ पत्र था भोज पत्र था इस पर लिखने की और मैनुस्क्रिप्ट को संरक्षित करने की परंपरा रही है। नेक्स्ट फिर एज ऑफ पर्सनल इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज का दौर आया ऐसा दौर आया जब जमींदारों की सुल्तानों की सम्राटों की इवन जो इंस्टीट्यूशंस थे बड़े बड़े बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी कहते हैं तक्षशिला में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसका एक दौर आया तमाम जमींदार थे रूलर्स थे लोकल रूलर्स थे उनकी अपनी लाइब्रेरी थी। नेक्स्ट ये मैंने एक फोटो लिया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी का कहते हैं कि जब मुगल अटैक हुए तब ये डिस्ट्रॉय किया गया अदरवाइज इट हैपेंड टू बी प्राइड ऑफ आवर कंट्री। इतनी कई हजार मैनुस्क्रिप्ट और पुस्तकें वहां संरक्षित थी। नेक्स्ट इवन मुगल पीरियड में जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इस पर्सनल लाइब्रेरी को किताबें रखना मैनुस्क्रिप्ट इकट्ठा करना आपको पता है जो प्रसिद्ध सम्राट हुमायूं था वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके ही मरा था ये वो परंपरा रही है। नेक्स्ट
पहली बार जिनके नाम पे आज ये सेमिनार हो रहा है, ईएसआर रंगनाथन साहब ने ही गेव फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उन्होंने कहा कि किताबें केवल संरक्षित करने की, मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ संरक्षित करने की, धरोहर की तरह सजा के रखने की चीज नहीं है, बल्कि बुक्स आर फॉर यूज। उन्होंने ये पांच सिद्धांत दिए थे, आप इसको देख लें। नेक्स्ट, फिर पब्लिक लाइब्रेरीज का दौर आया, एज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। हमारे यहाँ कोलकाता में, मद्रास में पहली पब्लिक लाइब्रेरीज खोली गई, और पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये है कि दैट इज एक्सेसिबल बाय द जनरल पब्लिक, कोई भी वहाँ जा सकता है, कोई भी वहाँ पे मेंबरशिप ले सकता है, और फिर उसका जो भी वहाँ पे पुस्तकें हैं, जो जर्नल्स हैं, उन सबको इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है बहुत, जैसे मार्क्स था, जो मार्क्स था जिसने डास कैपिटल लिखी और जिसके आधार पे फिर रूस में क्रांति आई, वो कहते हैं सुबह सबसे पहले व्यक्ति था इंटर करने वाला अपने वहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी में, वियना में, और आखिर में सबसे जब लाइब्रेरी बंद होती थी तब वो निकलता था। तो पब्लिक लाइब्रेरीज का एक दौर आया, और सब जगह अमेरिका में अमेरिकन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है, फिर ब्रिटिश पीरियड में और यहाँ पे हर जगह, हर शहर में, हर नगर निगम के द्वारा एक बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी खोलने का एक दौर शुरू हुआ। नेक्स्ट, फिर 21st century इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। अभी आप देखें कि पब्लिक लाइब्रेरीज का स्वरूप चेंज हुआ, ऑटोमेटेड कैटलॉगिंग की व्यवस्था आ गई, फिर सीडी रोम्स आ गए। अभी आप जाएंगे किसी भी लाइब्रेरी में तो वहाँ पे कियोस्क है, फिर वेब सर्फिंग की व्यवस्था है बहुत सारा, फिर आप एक नया जो है थ्रू इंटरनेट एक नया दौर शुरू हुआ, दैट ना दैट बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट, द एज ऑफ इंटरनेट, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इट बिकेम ए गेम चेंजर। इंटरनेट आने के साथ ही एक नई तरह की क्रांति आ गई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की। आप देखें, आप कल्पना करें, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी पब्लिक लाइब्रेरी में जाएं, आपके पास सिर्फ एक टैबलेट है और एक इंटरनेट कनेक्शन का कोई डोंगल है, जियो का या किसी का भी, आप जंगल में चले जाएं, जंगल में, घोर जंगल में, वहां भी दुनिया की लाइब्रेरी से आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर टैबलेट एंड थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। ये अब जो है एक्सेस टू वेब बेस्ड रिसोर्सेज, आपने देखा कि कहीं भी कभी भी आप लॉगिन करिए और जितने भी वेब बेस्ड रिसोर्सेज हैं डिजिटल वर्ल्ड में जो पड़े हुए इंफॉर्मेशन, जो डाटा पड़ा है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर ई जर्नल्स का दौर आया, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोग अपने थीसिस और जो है डिसर्टेशन लिखते हैं, फिर ई बुक्स का दौर है, और अब तो डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल आर्काइव्स का दौर शुरू हुआ है। नेक्स्ट, आई क्लाउड का दौर है। आपको कहीं संरचित भी नहीं करना फिजिकली, जो है किसी फिजिकल स्पेस में, आप तो आई क्लाउड में आपका सब कुछ पड़ा हुआ है, और आप अपने मोबाइल के थ्रू पूरे जो दुनिया का नॉलेज है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अ न्यू ट्रेंड, दिस इज अ 21st सेंचुरी में। आप कल्पना करिए, 16वीं 17वीं सदी में किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इनविजिबल क्लाउड में भी लाइब्रेरी हो सकती है। अब आप आई क्लाउड आ गया है, अब मोबाइल के थ्रू दुनिया का कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा दुधारी तलवार है सोशल मीडिया। जैसे मैं एज आईजी जोन, मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। कल्पना करिए, आप मुझे कोई मैसेज अगर देना होता अपने सभी थाना प्रभारियों को, पहले क्या सिस्टम था कि सबको फोन करके इंडिविजुअली बताना, अब मैं सीधे एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, निर्देश लिखता हूँ और ग्रुप बना रखा है, एक क्लिक पे एक साथ सभी थाना प्रभारियों को, सभी डिवाइस स्पीच को और सभी स्पीच को इंफॉर्मेशन चली जाती है। इतना अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन इसका जो बेसिकली बैड इस्तेमाल भी है, आप देखें बच्चे शुरू से और जितने भी लोग हैं कूड़ा करकट एक दूसरी तरफ फेंकते रहते हैं, एंड दे वेस्ट देयर एनर्जी एंड टाइम इन सच गार्बेज थ्रोइंग हियर एंड देयर। मैं एक बच्चे का इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी एक साल पहले, जिसने टॉप की थी,
उसने कहा कि जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी उस समय मैंने पूरे समय कभी इस्तेमाल नहीं किया मोबाइल। लोगों का ये एडिक्शन बन गया है। अब बच्चा जो है पढ़ने बैठा, किताब खोल के बैठा है, एक सेकंड बाद उसका मन नहीं मानता कि वो मैं देख लो व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आ गया, ट्विटर पे तो कोई नहीं आ गया, और जबकि उसमें कुछ नहीं, गार्बेज है। तो इसमें आप लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि ये सोशल मीडिया आपका बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन रहा है बजाय आपको, जबकि ये बहुत अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो गुड प्रैक्टिसेज हैं। अभी तो हमने एक यहाँ पे ग्वालियर में जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश, उनकी भी हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी, एक ग्रुप बना रखा है। तो जो गुड प्रैक्टिसेज है पुलिस के वो हम आपस में शेयर करते हैं, ये अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन जोक्स, इंडिसेंट टॉक्स, इन सब इस्तेमाल, इन सबको ट्रांसफर करने के लिए, इनको सर्कुलेट करने के लिए अब एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है, उसको कहते हैं फेक मीडिया जर्नलिज्म। फेक मीडिया जर्नलिज्म, हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है। रोज देखते हैं, अभी यहाँ पे जो है लिंचिंग का दो तीन केसेज आए थे, एक सखी बाबा थे वो दो शिष्यों के साथ आ रहे थे, कुछ लोगों ने वो लिंचिंग का प्रयास किया, संयोग से हमारी डायल 100 आसपास ही घूम रही थी, उसको कॉल किया गया, उन्होंने बचा नहीं, मार डालते पूरे देश में उसको, बार बार घुमा घुमा करके कि बच्चा चुरा रहे थे, इनसे सावधान रहना। तो अभी मैं एक सेमिनार कराने वाला हूँ, उसका टॉपिक रहेगा फेक मीडिया जर्नलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पुलिस इंटरवेंशन। इस तरह करके तो आपको बहुत 21st सेंचुरी में जो इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि किस इंफॉर्मेशन को हम लें, किसको ना लें, कौन सही है, कौन गलत है, कौन फेक है। फिर एक नया वर्ड है, उसको कहते हैं स्यूडो कॉन्शियसनेस। स्यूडो कॉन्शियसनेस, आप किसी को कोई चीज इंजेक्ट करनी होती है सोसाइटी में या कहीं पे, तो कोई चीज आपने लॉन्च कर दिया और हर आदमी फिर उसी के अनुसार वो करने लगता है। आई थिंक लाइट हैज गॉन। नेक्स्ट, जनरेटर में स्विच ऑन का नहीं है सिस्टम। एनीवे, हेलो, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये जो 21st सेंचुरी में जो इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। और फिर आप ये देखेंगे, अभी मैंने बड़ी अच्छी दो तीन स्लाइड आगे ली थी कि अभी भी सिटी और देहात में बहुत बड़ा डिवाइड बचा हुआ है। मैं बांदा का रहने वाला हूँ, मैं अपने गाँव जब जाता हूँ, अभी भी जो हमारा हिंटरलैंड है, जो देहात क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। वहाँ इंफॉर्मेशन इतना अच्छी तरह नहीं जा रही, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। वहाँ जो ट्रेंड स्टाफ नहीं है, वो टैकल नहीं कर पा रहा इस तरह का, और बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर सिटी सिनेरियो में आप ये देखना पड़ेगा कि ये जो ओवर इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं आपको डीह्यूमनाइज तो नहीं कर रहा। आपने कई फोटोग्राफ देखे होंगे, आपने जोक्स देखे होंगे, एक परिवार के, हटाइए, एक परिवार के 6 और 7 लोग, भाई बहन माँ बाप, अक्रॉस द टेबल, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। ह्यूमन टच खत्म हो गया, ह्यूमन रिलेशंस किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं। फिर जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स आए हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के, लाइब्रेरियंस आए हैं, मैं उन सबसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन और ओवर इन्फॉर्मेशन ये किस लिए है? दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन काइंड, दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, दिस इज फॉर द नेशन बिल्डिंग। आप ये देखें कि इससे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे देश के 3 मेजर चैलेंज हैं, एनर्जी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। आप देखें, हर साल 3.5 मिलियन लोग, करीब 35 लाख लोग मिडिल क्लास में एंट्री ले रहे हैं। मिडिल क्लास में एंट्री लेते हुई उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनको मोबाइल चार्ज करने के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं पावर प्लग चाहिए,
उनको फैन चलाना है, उनको एसी चलाना है, तो हमें एनर्जी का जो गैप है उसको पूरा करने में, जो फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्रिएट करने में, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसमें हम कितने इंजीनियर्स तैयार कर पा रहे हैं, उस दिशा में हम कितना काम कर पा रहे हैं। आप देखें इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है, हम अपनी हर एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, हमारा नदियां पॉल्यूटेड हो रही हैं, पीने के पानी के स्रोत की कमी हो रही है, ये सारे इश्यूज को हमारा जो ओवर इन्फॉर्मेशन है वो एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। फिर मैंने विष्णु के 10 अवतार आखिरी स्लाइड में लिया था, कभी आपने सोचा है विष्णु के 10 अवतार कौन है? विष्णु जी का जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार था, मत्स्य पानी के अंदर रहता है। जिस तरह कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का विकास हुआ है साइंटिफिकली वन सेल अमीबा से हुआ है, विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, दूसरा अवतार कच्छप अवतार है, जमीन के ऊपर आ गए, फिर तीसरा अवतार वाराह अवतार है, किस तरह ग्रोथ हो रही है, फिर चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, आधा मनुष्य और आधा सिंह, फिर वामन अवतार है, फिर राम है, फिर कृष्ण है, फिर आखिरी कल्कि आना है। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो ओवर इन्फॉर्मेशन है इज इट टेकिंग टूवर्ड्स बिकमिंग बेटर ह्यूमन बीइंग या आपको डीह्यूमनाइज कर रहा है, ये सारे इशूज हैं जिस पे आपको सोचना होगा। विद दिस दैट दीज क्वेश्चंस आई एम दैट देखिए मत करिए, मैं इसराइल 2 बार गया हूँ, जापान 2 बार गया हूँ, आई फील सॉरी द वे वी कंडक्ट दीज सेमिनार्स, वी नेवर एवर मेक कंटिजेंसी प्लानिंग, दैट्स वाई दिस बैड सीनरियो, प्लीज़ डोंट डू इट। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं थोड़ा कड़क हूँ, कृपा करके जो है अगर भविष्य में आप इसको सुधारेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक साथ इसी हॉल में असेंबल हो रहे हैं।